साथियों, भोजन क्रांति मोर्चा संगठन और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से 29 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक काली पट्टी निषेध आंदोलन की शुरुआत की गई है। यह आंदोलन की शुरुआत इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, ऐसी सूचना राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने दी। इसके विरोध में यह आंदोलन चलाया जा रहा है। तो मैं इंजीनियर अमिताभ बौद्ध, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक, इस काली पट्टी निषेध आंदोलन का पूरी संगठन शक्ति के साथ देश भर में समर्थन और सहभाग करती हूँ। मैं अपनी बातें कुछ आपको बताने का प्रयास करती कि हम इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया में ये जो भारत है ये बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, वो क्यों जाना जाता है, उस बात को आपके सामने रखने का प्रयास करती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। फिर कहा, भारत का इतिहास यानी भारत का संघर्ष कोई और संघर्ष नहीं रहा बल्कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद का संघर्ष रहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में 3 ऐसे धर्म है जो समानता को नहीं मानते, यहूदी, जिहूज और ब्राह्मणवाद, यानी भारत के ब्राह्मण, ये समानता को नहीं मानते। अगर समानता की बात हम लेते हैं तो बुद्धकालीन के समय में शिक्षा जो थी, बुद्ध के समय में तक्षशिला, अवंती, विक्रमशिला, उज्जैनी और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता था। उस समय यूरोप के लोग पत्थर को आपस में टकरा के आग निकालते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सम्राट अशोक जी ने, यानी सम्राट अशोक जो राजा थे, उन्होंने बुद्ध के 84,000 उपदेश को ध्यान में रखते हुए 84,000 बौद्ध स्तूप की स्थापना की। और फिर उसके बाद दुनिया का जो 1 रुपया होता था, उस समय भारत का केवल 31 पैसा अकेले का होता था, यानी भारत की जीडीपी 31% अकेले की थी। आज अमेरिका की भी उतनी नहीं। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय राजा भी हल चलाता था, राजा भी खाने के लिए कमाता था, खाने के लिए काम करता था। अगर वर्तमान की स्थिति हम देखें, वर्तमान के सांसद, विधायक, लोकसभा, उनकी विधानसभा में उनकी एफआईआर ही नहीं दर्ज होती। महिलाओं को उठाकर हम देखें तो महिलाओं के लिए उस समय क्या था, महिलाओं की स्थिति उस समय बुद्ध के समय बहुत बेहतर थी। बेहतर कैसे थी? कि जिनका नाम विशाखा है, जो बुद्ध भिक्खुनी संघ की प्रमुख थी, विशाखा का नाम भी साकेत से ही है, साकेत से ही विशाखा जी थी। और फिर सुरक्षा की बात अगर हम करें तो बुद्ध के समय में जो भी विदेशी आक्रमण हुए वो सफल नहीं हुए, क्योंकि उस समय की विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित थी। इसलिए कोई भी विदेशी आक्रमण सफल नहीं हुए। उस समय लोगों का आपसी रिश्ता बहुत अच्छा था। इस आधार पे मैंने पहले ही आपको कुछ बातें जो बताई कि भारत का इतिहास वो बुद्ध का इतिहास है, यानी इन सब कारणों को उठा के अगर हम देखते हैं तो, अगर विश्व का नक्शा उठा के देखते हैं तो भारत का नाम का देश मिलेगा, इंडिया मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान नाम का कोई भी देश नहीं मिलेगा। यानी अयोध्या अर्थात साकेत बुद्ध की भूमि है। हम इस बात को प्रमाणित तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज के इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। भारत की मुद्रा को उठाकर अगर हम देखें तो भारत की मुद्रा में जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, उसके ऊपर जो 4 शेर है, इससे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भारत का इतिहास बुद्धिज्म का इतिहास है। मैं भारत के इतिहास के आधार पे हम देखें तो जमीन के अंदर भी बुद्धिज्म है, जमीन के बाहर भी हम देखें तो बुद्धिज्म है, यानी बुद्धिज्म को ही लोग मानते हैं। बुद्धिज्म को लोग क्यों मानते? क्योंकि बुद्धिज्म, मैंने पहले बताया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित। साथियों, ऐसा क्यों हुआ, बौद्धों और ब्राह्मणों में झगड़ा क्यों शुरू हो गया? क्योंकि ब्राह्मण यहाँ विदेशी है। ये बात 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी का अखबार है, उसमें डीएनए से प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण विदेशी। जो विदेशी है वो, उसका विदेशीपन जो डीएनए के आधार पर प्रमाणित हुआ, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकती, जो विदेशी लोग है वो लोग अपने इतिहास को बनाने के लिए इस समय भूमि पूजन राम के नाम पे कर रहे हैं। साथियों, इन ब्राह्मणों ने ही पूर्व में मुगलों का साथ दे करके यहाँ के बौद्ध विरासत को नष्ट किया, और वर्तमान में देखा जाए
तो मुसलमान पे आरोप लगा करके लोगों को भुलाने का काम करते हैं। भारत का संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ पर है और सबको समानता का अधिकार है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान देश की जनता को घर के अंदर रहने को कहा गया, लेकिन इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समतलीकरण के नाम पर बौद्धों की विरासत को नष्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन का सहारा लेकर जीसीपी के द्वारा बौद्ध स्तूप को विनष्ट किया जा रहा है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एसआईवी विभाग भी चुप है। साथियों, साकेत प्राचीन की धरोहर है और मूलवासी बहुजन की विरासत है, तो हम इसको बचाने के लिए जो भी इस समय कानून बनाए जा रहे हैं या जो भी विरासत हमारी खत्म की जा रही है, हम इसके विरोध में ये आंदोलन का साथ और समर्थन कर रहे हैं। मैं पूरे देश भर के युवा छात्रा और महिलाओं और नौजवानों से ये अपील और निवेदन करती हूँ कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन ने ये जो मुहिम छेड़ी है, ये जो आंदोलन शुरुआत की, क्योंकि इसकी इसका अंतिम चारा क्या है, इसका अंतिम उपचार क्या है, इसका अंतिम उपचार है आंदोलन। जो आंदोलन की शुरुआत की है काली पट्टी निषेध आंदोलन 29 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक, मैं इस आंदोलन का पूरी संगठन शक्ति के समर्थन करती हूँ। आप सभी से अपील करती हूँ, आप लोग भी इसका समर्थन करेंगे। साथियों, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत, नमो बुद्धाय।